राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाचे प्रदेश सरचिटणीस इर्शादभाई जागीदार यांना धुळे विधानसभा मतदारसंघातून समाजवादी पक्षातर्फे उमेदवारी जाहीर झाली असल्याचे सुतोवाच समाजवादी पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष अबू आझमी यांनी मालेगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना केले. ते मालेगाव येथे एका कार्यक्रमानिमित्ताने आले असताना त्यांची धुळे येथील पत्रकारांनी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी इर्शादभाई जागीदार यांचे नाव जाहीर केले. यावरून इर्शाद जागीदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला रामराम ठोकून लवकरच समाजवादी पार्टीमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहे. गेल्या काही महिन्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस इर्शादभाई जागीदार यांनी विकास कामांचा सपाटा लावला होता. गेल्या महिन्यात अजितदादा पवारांच्या मोठा कार्यक्रमही घेण्यात आला होता. यानंतर धुळे विधानसभा मतदारसंघाचा अभ्यास करून त्यांनी समाजवादी पार्टीमध्ये अर्थातच समाजवादी पार्टीतर्फे उमेदवारी करण्याचा निर्णय घेतला अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. या संदर्भात समाजवादी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी हे मालेगाव येथे आले असताना त्यांनी जागीदार यांना उमेदवारी दिल्याचे सुतोवाच केले. इर्शादभाई जागीरदार कब प्रवेश करने वाले हैं? ऐसा ना कि मेरा गाना है. अच्छा. किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे तो तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय. मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा. अरे वाह. तो उसका हृदय टूट गया. बराबर. वो सर्वा किया, वो सर्वे किया उसने, बोले जहां मैं हूं वहां जीतूंगा नहीं. तो खुद मेरे पास आए, मेरे वर्करों ने कहा, गुड्डू ने कहा, बोलो ने कहा कि अच्छा उम्मीदवार अच्छा रहेगा, मिलेगा अच्छा कार्य. तो मुझे ऐसा उम्मीदवार चाहिए ना जो तन मन धन और बिल्कुल से ना लड़ने के लिए सब कुछ निछावर कर दे, बिल्कुल जान लगा के लड़े, ऐसा उम्मीदवार चाहिए. ये उम्मीदवार ऐसा ही है इर्शाद भाई का. हम इस देश में सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वसूलों को नाफिज करने के लिए हम असम्बली पार्लियामेंट असम्बली से लेकर सड़क तक अपनी पूरी कोशिश में हैं कि इस देश में सांप्रदायिकता ख़त्म हो, गंगा जमुनी तहजीब चले. हम 20 साल और एक वक्त खाना हमें मिले एक वक्त नहीं मिले, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले या नहीं मिले, हम पावरलूम चलाकर मजदूरी करके खा सकते हैं, लेकिन इस देश में जो सांप्रदायिकता हो रही है और हमारे मजहब पर जो बार बार अटैक हो रहा है, हमारी शरीयत पर अटैक हो रहा है, उसे हम जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकते. सरकारें जो हैं जानबूझ करके रोज़ाना नंगा नाच नचवाती हैं और इससे पोलराइज करने की कोशिश करती हैं. ये बहुत ही निचले दर्जे की राजनीति हो रही है. इसका मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप गांधी जी को मानते हैं, अगर आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, अगर भारतवर्ष की संस्कृति को मानते हैं, तो इस जुल्म के खिलाफ आपको सड़क पर उतरना चाहिए. कहा गया अबू आसिम माइनॉरिटी इलाके में अबू आसिम को 79% लोग पसंद करते हैं. ये माइनॉरिटी इलाका है, मैंने सर्वे नहीं किया, किसी और लोगों ने सर्वे किया है. तो माइनॉरिटी इलाका ये है, धुलिया माइनॉरिटी इलाका है. अगर मेरे साथ कांग्रेस और अपना राष्ट्रवादी पार्टी और उद्धव जी की शिवसेना मिल जाएगी तो सोने में सुहागा होगा और हम सीटें चुनकर आएंगे. हम चुनकर आएंगे तो हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे. आज तक बीजेपी के साथ हम जाए नहीं सकते, कभी हम इन्हीं के साथ रहने वाले हैं. इसलिए इन सीटों पे समाजवादी पार्टी को ये सीटें दिया जाए, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बताऊँगा मैं क्या.